राम राम, जय हिंद। तुम सबसे आज एक रिक्वेस्ट है मेरी यार। देखो रिक्वेस्ट क्या है, मतलब ये एक अपील है तुम लोगों से, ठीक है? एक तरीके से एक रिक्वेस्ट है, अपील है, जो भी समझ लो, कि अगर तुम्हारी उम्र 16 के बाद हो, 16 पार कर चुके हो, तुम 17-18 पे घूम रहे हो, तो तुम घर छोड़ दो। सच बता रहे, घर छोड़ दो, क्योंकि 17-18 पे घर छोड़ने का मतलब ये है कि तुमने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले ली है। और आज के टाइम पे जब हमारे हाथ में फ़ोन है, सोशल मीडिया है, लड़के 12 साल के भी इतने मेच्योर हो गए, जब हम लोग 20-22 में भी नहीं हो पाए थे, ठीक है? तो इसलिए, और घर को छोड़ना ही क्यों जरूरी है? भले तुम अच्छे फैमिली में रह रहे हो जहाँ पे बहुत पैसा हो, या फिर तुम किसी गरीब फैमिली में रह रहे हो जहाँ पे कम पैसा है, कोई मैटर नहीं करती बातें। बस मैटर एक चीज़ करती है कि तुम्हें घर छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है ना कि घर में हर चीज़ कंफर्टेबल सिचुएशन में होती है। तुम्हें कोई चोट लगी, डिटॉल लगाने वाले मौजूद हैं, तुम्हें आज मतलब कुछ नया खाना है बनाने वाले मौजूद हैं, तुम्हें घर जाके बरसात में चाय पकौड़े खाने कोई बनाने के लिए मौजूद है। बाहर जब होते हो तो तुम्हारा जो मन होगा वो तुम्हें खुद करना पड़ेगा, तब तुम्हें असलियत समझ में आएगी। देखो छोटी चीज़ तुम्हें समझाएं, जब तुम बाहर होगे ना तो तुम वही चीज़ें करोगे जो तुम्हारे लिए ज़रूरी होंगी, तुम वो हर काम नहीं करोगे जो तुम्हारा मन करेगा। ये बात हम लिख के दे रहे हैं। हाँ, कुछ आदतें हो जाती हैं जो वो तो होनी है यार, इस एज में अब नहीं होंगी तो कब बुढ़ापे में होंगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तुम करोगे वही जो तुम्हारे लिए ज़रूरी है, मन के हिसाब से तुम ना चलने वाले हो बाहर, ठीक है? तो इसलिए हम चाहते हैं घर छोड़ दो। अब घर जब छोड़ते हो ना 17-18 के बाद, ठीक है, घर से थोड़ा बहुत पैसा मिलता ही रहेगा, नहीं मिलता है तो बाहर इतना कर ले जाओगे। तो जब तुम 17-18 के बाद घर छोड़ते हो ना, तो उससे यार एक चीज़ बहुत बेहतरीन हो जाती है, वो हो जाती है कि तुम मजबूत बहुत हो जाते हो। तुम्हारा सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है वो दूसरी बात है, तुम कुछ कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो वो दूसरी बात है, लेकिन तुम मजबूत बहुत हो जाते हो। क्योंकि जो आदमी अकेले रहना सीख जाता है ना, वो अपने लिए मतलब बेस्ट है, उसके लिए फिर कुछ चीज़ें मायने नहीं रखती बड़ी बड़ी। इसलिए हम चाहते हैं जो लोग भी देख रहे हो 18-19 के हो गए हो, घर छोड़ दो। क्योंकि घर में उस कंफर्टेबल सिचुएशन में तुम कितने भी एक्सक्यूज़ दे लो कि मेरा अलग कमरा है, मेरे पास ये है, मेरे वो पास वो है, फलाना है ढिमकाना है, घर पे रह रहे हो यार, जन्म से घर पे रह रहे हो, कंफर्टेबल सिचुएशन में रह रहे हो, तो तुमसे कुछ नहीं उखड़ेगा। इसलिए घर छोड़ो और आगे बढ़ो, हॉस्टल लो, कहीं पीजी में रहो जाके, कहीं पे भी रहो जाके, लेकिन घर छोड़ो। और घर छोड़ने का मतलब ये नहीं होता है कि बाहर पे रंगबाजी करने जा रहे हो, क्योंकि वो तुमसे होगी नहीं। कोशिश ये करो अपने पैसों पे जो चीज़ें करने की कोशिश करो, क्योंकि तुम अपना पैसा कमाओगे तो जाहिर सी बात इस उम्र में इतना ज़्यादा तो कमा नहीं पाओगे तुम, और फिर कमा लिया तो उस पर ही ऐसे कर रहे हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन घर छोड़ो, क्योंकि घर नहीं छोड़ोगे तो अपनी कैपेबिलिटी तुम नहीं समझ पाओगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत ब्रिलियंट है, वो कहीं बाहर नहीं गए तो उनकी अंदर ही दब के मर गए, उनका कोई वजूद नहीं रहा। लेकिन अगर तुम्हारे पास कुछ टैलेंट है, जो भी चीज़ें हैं वो बाहर जाके ही निकलेंगी, घर के अंदर बैठ के वो कभी कोई टैलेंट तुम्हारा बाहर नहीं आने वाला। इसलिए घर छोड़ो, बाहर निकलो, देखो चल क्या रहा है, और यकीन मानो हम दिल से बता रहे हैं तुम्हें ये, कि तुम्हें समझ में आ जाएगा कि वाकई में एक्चुअली में तुम्हारा टैलेंट क्या है। जो लोग पूछते रहते ना कि मेरा टैलेंट क्या भैया, समझ में नहीं आता है, बाहर समझ में आ जाएगा तुम्हें। इसलिए घर छोड़ दो। अब घर छोड़ने का मतलब ये नहीं कि चिट्ठी लिख के चले जाओ कि हम घर ही नहीं आएंगे, कभी सुटेबल तरीके से घर छोड़ो, कपड़े वपड़े लेके जाओ आराम से। राम राम, जय हिंद।